फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और फटाफट से घर के काम निपटा लूँ सोच रही, क्योंकि मुझे जाना है अब सैलून पर। और 10:30 तो बज ही चुकी, 10:30 नहीं सॉरी 10 बज चुकी हैं। और अभी आज मैं सोच रही हूँ कि अभी हो चुकी है मेरे रूम की सफाई, तो क्यों ना मैं बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से वॉश कर दूँ। तो आज इनकी बारी आई है, तो बेडशीट और ये सब अच्छे से वॉश करना है, तो निकाल देती हूँ। ले लिया है सब, अब इसको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। थोड़ी देर भिगा के रख दिया, फिर वॉशिंग मशीन चालू करती हूँ ताकि अच्छे से जितनी भी गंदगी है वो मेल्ट हो जाए। और रूम में अब बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। बेडशीट तो कंप्लीट लग चुकी है और अब मैं ये ड्रेसिंग है वो इधर कर दूँ, यूँ सोच रही हूँ, क्योंकि इधर एकदम सामने है तो सामने बेड के सामने नहीं होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो मैं इस ड्रेसिंग को कर देती हूँ इस डायरेक्शन में। ये भी इधर सेट हो गया, पर मुझे इधर सेट थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। ये तो चिकू ने मुझे बोला था इधर सेट कर देना ऐसा, पर ये साइड टेबल हट गया, तो ये तो मेरा सब इसमें मेरा पर्सनल स्टफ़ रहता है, जो कि नाइट क्रीम वगैरह है, फुट क्रीम है, ये सब चीज़ें रहती है, हैंड क्रीम। और हाँ, अब विंटर्स आ गई है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा सबके हाथ पैर काफ़ी फटने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट क्रीम बता देती हूँ, बेस्ट से बेस्ट यानी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो उसके लिए ये है F&W की हैंड क्रीम। और ये हैंड क्रीम इतनी अच्छी है ना, अगर आपके हाथ कैसे भी फटे होंगे, सिर्फ आप 1 से 2 दिन ही रात को लगा के सोओगे ना, क्या आपके हाथ मस्त मक्खन हो जाएंगे कुल मिला के, यानी मस्त, बहुत ही अच्छे। क्योंकि मेरे हाथ इतने ज़्यादा फटे हुए थे जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन में काम वाली वगैरह कोई आ नहीं रही थी, तो बर्तन हाथों से ही धोने पड़ रहे थे। मेरे को शायद बर्तन वाला साबुन या फिर बर्तन वाला लिक्विड सूट नहीं होता हाथ में, तो मेरी उंगलियां वगैरह बहुत ज़्यादा फट जाती है। तो अभी तो एकदम क्लियर है, बाकी नहीं तो इतना फटा हुआ रहता है ना, अच्छा ही नहीं लगता सच में। हाथ भी फेस पर नहीं लगाने का होता है, पर इस क्रीम ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्योर कर दी। और फुट क्रीम भी है इसकी, बहुत अच्छी है, वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी मैं भी परचेज करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उस सीज़न में परचेज़ की थी तो ख़त्म हो चुकी है मेरी, तो इस सीज़न में और परचेज करूँगी। और फुट क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आज परचेज़ करेंगे शॉप पर जाके, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लैंकेट भी धुल रही है और साथ साथ में आजा छगन इधर, और साथ साथ में बन आजा नबुड़ा इधर। तो ये साथ साथ में बन रही है पकौड़ी की कड़ी, तो ये पकौड़ी तो बना दी है, चावल भिगा दिए हैं, और अब कर लेते हैं कड़ी की तैयारी, क्योंकि है ना दही तो है नहीं, दही तो फिर जगुबिया लेने के लिए गए। और ये चावल हमने रख दिए, आटा भी बांध लेते हैं, और थोड़े आज लेट हुए हैं पर कल से नहीं होंगे। बेडशीट तो धुल गई है, ब्लैंकेट भी बस अभी ड्राई हो रही है, तो ये बेडशीट और ब्लैंकेट सूखा देती हो गई है ये ड्राई। सूख गई ब्लैंकेट, अब सूख गई बेडशीट, सॉरी ब्लैंकेट नहीं, अब बेडशीट सुखाने की बारी आती है। तो बेडशीट का ब्लैंकेट कहाँ तक है, कंफ्यूज हो रही हूँ, दोनों एक साथ वॉश कर रही हूँ ना, मम्मी वाली भी ब्लैंकेट साथ में धुल रही है, तो वाह चलो दोनों एक साथ ही सुखाऊंगी। ये यहाँ पर कड़ी की तैयारी हो चुकी है, मैंने ये कड़ी का घोरन रेडी कर दिया है, और ये मैं पकौड़ी वाली कड़ी बनाने वाली हूँ। तो पकौड़ी तो हमने पहले ही निकाल दी थी, पर दही हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए अब ये हमारा जो बैटर है वो टेस्ट में कैसा था।
कड़ी का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और उम्दा आ गया है, मुझे तो पता ही नहीं था। खाना वगैरह सब हो गया है, बस अब दुकान के लिए निकल गई हूँ। और चिकू कहाँ है यार, लैला आज बड़े दिनों बाद नीचे बैठी है। अभी आ गए हम शॉप पर और मैं तो अभी कुछ काम करूँगी क्योंकि मैं बैठी हुई चिकू को अच्छी नहीं लगती हूँ। अभी करेंगे काम, गाने लगा रही हूँ मैं आजकल रिसेंटली जो मेरा फेवरेट चल रहा है वो। और अभी मैं बनाऊँगी शुगर का ऑर्डर क्योंकि कितनी चीज़ें ख़त्म होने आ गई है। हेलो हेलो, कैसे हो? बस ये तो कल वाले व्लॉग में दिखी थी। हेलो, मास्क उतार दो। कैसे है तू, मिल रहा है मेरे से? हाँ। सच्ची में फैन है, बिल्कुल फैन है, ये तो सारा दिन देखते हमको धक्का दे के स्पेशल आया। हम तो मार्केट में जा रहे थे खींच खींच के हमको अंदर घुसाया। मेरे को कब से आवाज आ रही है गेट में, मुझे जाने दो नहीं मैं अंदर चला जाऊंगा। तेरा क्या नाम है, चल बता दे। मान्या। नहीं, अच्छे से इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम मान्या। मान्या पीछे क्या लगाते हो? मान्या पटेल। पटेल कैसे हो गया? तेरे मम्मी पापा पंचाल है? नहीं, पर मैं पटेल हूँ। ओके, कल आप आओगे व्लॉग में तो कह दो, चलो लाइक कर दो, लाइक शेयर बाय। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर बेटा, बॉयज अलाउ नहीं है। अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री। आज के व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि सब्सक्राइबर मेरे को मिलने आया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे यानी सच में इतने ज़्यादा, यानी हमने तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हम आपके सब्सक्राइबर ऐसे बोलते हो तो इतनी खुशी होती है ना, बात जाने दो, बहुत ही ज़्यादा। और सब जने फिर बोलते हैं ना, रोमा हमको पसंद है, रोमा हमको पसंद है, तो सच में मज़ा आ जाता है। और अभी बज गई है 7, मैं हो चुकी हूँ थक क्योंकि जब से शॉप पर आई हूँ तब से नॉन स्टॉप बिज़ी हूँ। अब घर जाऊँगी और पानी भी पीना है अब मुझे। ठीक है, घर जाके फिर मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर पे और हमने ये सामान ले लिया है जो घर के काम का है। और हाँ, मैंने फुट क्रीम भी ले ली है। फुट क्रीम ली इसमें? ठीक है ठीक है, घर जाके आपको बताती हूँ। आज जो भी मेरे विंटर्स की आवश्यकताएं हैं वो मैं सारा सामान लेके आ गई। हालांकि ये तो परमानेंट है। हैंड वॉश लाई हूँ मैं यार्डले का और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, इंग्लिश लेवेंडर। और सबसे मेन चीज़, ये हाथों को ड्राई नहीं होने देता, हाथों में ड्राइनेस नहीं आने देता है, जिससे हमारे हैंड्स हैं ना वो अच्छे से नरिश ही रहते हैं, ड्राइनेस नहीं आने की वजह से फटते नहीं हैं। और सेकेंड लाई हूँ फुट क्रीम। विंटर्स आ गए हैं तो थोड़े थोड़े पैर ड्राई होना चालू हो गए, और वो भी मैं मिशेल की लाई हूँ क्योंकि हैंड क्रीम तो मैं मिशेल की यूज़ करती हूँ। मैंने आज आपको सुबह ही बोला था और मुझे परचेज भी करनी थी, ये भी मैंने बोला था, तो आज ही मैंने फुट क्रीम कर ली है परचेज़। और ये नॉन स्टिकी है, पैरों की झुर्रियाँ भी हैं उसको भी हटाने वाला है, तो हम अच्छे से पैरों पर अप्लाई करेंगे। ये कोई भी एज का इंसान ट्राई कर सकता है। और सबसे मेन चीज़ है, आप इसको लगाओगे ना आपको तुरंत ही फ़र्क लगने लग जाएगा। एक रात लगाया, दूसरे दिन तो आपको लग जाएगा कि मेरे पैर काफ़ी हील हो चुके हैं। थर्ड लाई है बॉडी वॉश जो कि चिकू का ख़त्म हो गया था तो वो लेके आए हैं। और विंटर का सबसे ज़रूरी बॉडी बटर, बॉडी लोशन, बॉडी बटर जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, क्योंकि विंटर आग सुबह सुबह ठंड लगती है, दिन में गर्मी लगती है, तो सुबह सुबह वो थोड़ा थोड़ा ठंड लगने की वजह से हाथ पैर ड्राई होना अब स्टार्ट हो गए। तो दो ले आए, फ्लेवर एक ही है फिर दो है? नहीं, दो है, एक है रिच ऑलिव और एक है मॉर्निंगा। और बॉडी बटर और बॉडी लोशन में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बॉडी लोशन है वो अपनी बॉडी के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है और उससे हमारी स्किन फेयर नहीं होती है, थोड़ी सी डल पड़ जाती है विंटर्स के हिसाब से। पर बॉडी जो बटर होता है वो हमारी स्किन को साथ में नॉन स्टिकी फील देता है और पूरा दिन हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और इससे हमारी स्किन ब्लैक नहीं होती है। सबसे मेन ब्लैक नहीं होती है क्योंकि विंटर्स में सबका यही इशू होता है, काले पड़ गए। फिर बाद में आता है बाथिंग बार्स।
चारों फ्लेवर हैं ये यार्डले के। हालांकि मैं, मम्मी और चिकू तीनों जने यूज़ नहीं करते हैं बॉडी साबुन, पर ये पापा के लिए लाए हैं हम लोग, क्योंकि हम तीनों जने बॉडी वॉश ही यूज़ करते हैं। और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं। मैं भी पहले जब साबुन यूज़ करती थी तब ये वाला करती थी, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर, मेरा फेवरेट फ्लेवर ही अलग इंग्लिश लेवेंडर है। और ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ये भी हाथ पैरों को ड्राई नहीं होने देते। ओके, तो अब बनाऊंगी मैं खाना, और काफ़ी थक चुकी हूँ, दिख ही रहा होगा फेस से। अभी मैं फ्री वगैरह कंप्लीट हो चुकी हूँ और फेस वॉश में करके आ गई हूँ। अभी मेरी फ्रेम इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मैंने ये वाली लाइट चालू की है, पर चिकू उठ के इधर वाली लाइट चालू कर दी है। तो ये अब मैं लगा रही हूँ फेस पर नाइट क्रीम। जस्ट शट अप यार, मैंने ईयरफोन्स पहन रखे हैं ना, इसलिए उसमें गाने बज रहे हैं, क्योंकि मैं कभी कभी गाने सुनती सुनती सो जाती हूँ। उसको अच्छे से मैंने फेस पे मसाज कर दिया है, और मैं अभी डार्क स्पॉट रिमूवर भी यूज़ कर रही हूँ, पर अभी मैंने यूज़ किया नहीं है, नाइट क्रीम ही मैंने डायरेक्ट लगा दी, और मिशेल की है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नाइट क्रीम है। अच्छी यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जो कि मेरे फेस को एकदम बहुत अच्छा कर दिया है। अभी तो स्पॉट्स वगैरह भी काफ़ी लाइट हो गए, अभी बीच में मेरे को हेल्थ इशू हुआ था तो हो गए थे थोड़े से, पर अभी ठीक है और काफ़ी यानी लाइट हो चुके हैं। और अभी यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।